प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र के उद्घाटन मौके पर कहा कि औद्योगिक क्रांति में वो क्षमता है जो मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदल सकती है। तितली तूफान से प्रभावित ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज। 3 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल शाम आए तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का हुआ काफी नुकसान। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात और बिजली पर पड़ा असर। और शारदीय नवरात्र में आज प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। की जा रही है मां चंद्रघंटा की पूजा। मुख्यमंत्री ने भी कल गोरखनाथ मंदिर में की मां की आराधना। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार से देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। राजधानी दिल्ली में कल चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में वो क्षमता है जो मानव जीवन का वर्तमान और भविष्य बदल सके। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा जैसे उभरते तकनीक के क्षेत्र से भारत को विकास के शिखर पर ले जा सकते हैं। इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के जीवन को आसान बनाना है। ये सेंटर सबका साथ सबका विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रेरक और पूरक की तरह काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की चौथी औद्योगिक क्रांति को सामाजिक बदलाव के लिए अहम बताया। मुंबई में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से बने सेंटर का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति गरीबी हटाने में मददगार साबित होगा। भारत इसे सिर्फ इंडस्ट्री में परिवर्तन के तौर पर नहीं, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन के आधार के तौर पर भी देख रहा है। साथियों, मैं इंडस्ट्री 4.0 में वो ताकत देख रहा हूं जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी अनेक कमजोरियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। विश्व में बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच मुंबई का ये केंद्र जरूरतों के मुताबिक खास तौर पर 3 चीजों पर ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और ड्रोन तकनीक शामिल है। इन सभी प्रमुख विषयों में अलग अलग स्तर पर भारत में काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों में सॉल्व फॉर इंडिया, सॉल्व फॉर द वर्ल्ड का लक्ष्य भी समाहित है। हम लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। डिजाइन से लेकर उत्पादन और विनिर्माण में काफी बदलाव आए हैं। नए आविष्कार, कौशल विकास और संसाधनों का तकनीक के जरिए सही इस्तेमाल भारत में तेजी के साथ बढ़ रहा है। स्टार्टअप और अटल इनोवेशन मिशन भारत में विकास की टिकाऊ नींव रख रहे हैं। भारत में डिजिटल तकनीक के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 4 सालों में तेजी के साथ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश की पंचायतों में ऑप्टिक फाइबर का विस्तार हुआ है। ये अब 59,000 से बढ़कर 1,00,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुका है। कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या भी 2014 के मुकाबले 83,000 से बढ़कर 3,00,000 हो चुकी है। भारत हो, ये देश डेटा से भरा हुआ है और अगर डिजिटल इंडिया इतना आगे बढ़ा है और इतने पंचायतों को हमने लिंक किया है और ऑप्टिकल फाइबर इतना बढ़ा है, तो इसका फायदा तो देश के लिए होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि कृषि का क्षेत्र प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, हमारे फार्मर्स की इनकम कैसे डबल हो, डिजिटाइजेशन को उपयोग करके हम अपने लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करें। दिस इज अ वेरी गुड मूव टू collaborate with the World Economic Forum to get more into it and see that we implement Industrial Revolution 4 very well in our country. अगर हमें cost effective manner में products और services deliver करना हो तो ये technology के through ही हो सकता है। ये पुराने means के through, पुराने infrastructure models के through नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जनवरी में विश्व आर्थिक मंच पर
भारत के सामर्थ्य, कौशल और बढ़ती प्रौद्योगिकी की बदौलत विकसित होने के सपने को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि युवाओं और संभावनाओं से भरे देश में 21वीं सदी का नया भारत बनने का मादा है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के इस मौके का पूरा लाभ उठाएगा और दुनिया को भी मजबूती देगा। तूफान तितली से प्रभावित ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी है। एनडीआरएफ की ओडिशा में 14, आंध्र प्रदेश में 4 और पश्चिम बंगाल में 3 टीमें तैनात की गई हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य में तूफान से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। तूफान के कारण ओडिशा के गजपति, गंजाम और रायगढ़ जिलों में जनजीवन पर असर पड़ा है। 3 लाख लोगों को राज्य में विभिन्न स्थानों पर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू ने जिले के अधिकारियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दलों को राहत और बचाव के लिए तैनात किया गया है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद फिलहाल ये तूफान कमजोर होकर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तूफान से हुए नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कल शाम आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल गया। ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश के फसलों का काफी नुकसान हुआ है। जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं बादलों ने भी शाम को ही रात में बदल दिया। धान की फसल को ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। वहीं अग्रणी आलू किसानों को भी इस बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी इस ओलावृष्टि और बरसात से भी काफी नुकसान हुआ है। तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसके कारण शाम से ही आम जीवन थमता गया है। रामपुर के लोगों ने बताया कि विगत 30 वर्षों से कभी इतना गंभीर मौसम नहीं देखा, जब दिन रात की तरह दिखने लगा हो। कई लोगों ने तो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। गाड़ियों ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और जल्दी घर पहुंचने का प्रयास करने लगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां जगत जननी मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर विधि विधान से आरती की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में उन्नति, खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री 9 दिन तक उपवास रखते हैं। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने 3 दिन पूजा अर्चना की। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली भी मां के जयकारों से गुंजायमान है। राधा कृष्ण की पावन भूमि नवरात्र के अवसर पर देवीमय हो गई हैं। यहां चामुंडा शक्तिपीठ पर भक्त दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर में दूध, गंगा जल, पुष्प और पूजन सामग्री से भक्त मां का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए मां से वर मांगते हैं। इसका पौराणिक महत्व यह है कि साक्षात राधा रानी ही इस मंदिर में विराजमान है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा सुहाग बना रहे और घर बार के सब भंडार बने रहे, सारे जग में सुख शांति रहे, कोई भी दुखी ना। आज से शारदीय नवरात्रियों का प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर जो भी भक्त 9 दिन माता की सेवा पूजा अर्चना करता है। जनपद ललितपुर में स्थापित माँ ललितेश्वरी देवी का महत्व पूरे बुंदेलखंड में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लोग नवरात्र के अवसर पर माँ की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं। महाभारत काल के इस प्राचीन मंदिर में नंगे पांव चलकर लोग मां को जल अर्पित करते हैं। इन्हें बड़ी माता के रूप में भी जाना जाता है।
मुस्लिम मोहल्ले में स्थापित इस मंदिर की साफ सफाई में स्थानीय लोग भी मदद करते हैं। मान्यता है कि माँ के दरबार में आने वाले लोगों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। क्या है कि नंगी पैर अपने घर से आती हैं, जल चढ़ाती हैं, अपनी मनोकामनाएं जो हैं उनसे मांगी जाती हैं, वो पूर्ण होती हैं। और ये बहुत पुराना स्थान है। ये क्या है कि अपना पूरा काम बनता है अगर उनसे मांगती हैं, पूरी कोई भी चीज़ मांगी है प्राप्त हुई है। कितने सालों से आ रहे हैं ये? हम करीबन तुम्हारे 8-10 साल से आ रहे हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और क्या बोलते माता के लिए रंगी पैर आते हैं चलकर उनकी सेवा करने के लिए। अब माता हमारी प्रार्थना सुनेंगी तो और आएंगे आगे, और यहाँ आकर सुबह सुबह अच्छा लगता है। देवी जी के मंदिर बहुत कृपा है, सब पे कृपा करती माँ, भक्तन की कृपा करती। बहुत अच्छी माँ है ये, कि मानता सबको चैन से जो मांगो वो मनोकामना पूरी होती है मंदिर पे आने से। विंध्याचल मेले का प्रांतीयकरण किए जाने पर विंध्याचल के लोगों ने खुशी व्यक्त की है। विंध्याचल में लगने वाले मेले के लिए लंबे समय से सरकारी मदद की मांग की जा रही है। अभी तक मेले की व्यवस्था नगर पालिका परिषद करता आ रहा था, जनता से मिले धन से साफ सफाई और निर्माण प्रकाश जैसी व्यवस्था का निर्वहन कर रहा था। इस मेले के प्रांतीयकरण किए जाने से पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा मेले में सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। मतलब अभी तक पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कि विंध्य क्षेत्र में जिन्होंने ध्यान दिया, प्रांतीयकरण होने से मिर्जापुर का भी विकास होगा और प्रदेश का भी विकास होगा, क्योंकि अभी तक लोकल ही संसाधन से प्रशासन व्यवस्था करते थे। अब टोटल जब खर्चा प्रदेश से आएगा तो आने वाले यात्रियों को बहुत अच्छी तरीके से सुविधा मिलेगा और हम लोगों का भी उसमें फायदा होगा, विंध्याचलवासी, मिर्जापुरवासी और यात्रियों को भी इससे अच्छी तरीके से सुविधा मिलेगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हैं मिर्जापुर जनपद वासियों के तरफ से, और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं जो कि माँ के दरबार में उन्होंने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विंध्याचल मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने से श्रद्धालु महिलाएं भी प्रसन्न हैं। इनका मानना है कि घाटों पर साफ सफाई समेत कपड़े बदलने की भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, जिससे महिलाओं को होने वाली असुविधा पर विराम मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी सरकार ने विंध्याचल मेले को राज्य का मेला घोषित किया है, जिसे हम लोग बहुत खुश हैं। चेंजिंग कपड़ा बदलने के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम, घाटों पर लाइट की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे महिला को सुबह नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो और महिलाओं के लिए अलग से बनाए महिला सुविधा होनी चाहिए। मैं नगर विकास मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि आपके नवरात्र में ये मेला प्रांतीयकरण हो जाएगा और प्रांतीयकरण होने के बाद आपको 50 लाख रुपए के लगभग मिलेगा। अभी तक नगर पालिका लगातार मेले में 95% व्यवस्था, चाहे वो सफाई की 24 घंटे व्यवस्था हो, चाहे घाटों पे बैरिकेटिंग हो, अस्थाई पुलिया हो, स्नानाघर हो, पंडाल हो, साउंड की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सारी कुछ व्यवस्था नगर पालिका परिषद मिर्जापुर करती चली आ रही है। और इस मेले के प्रांतीयकरण के बाद सरकार की इच्छा। राफेल मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी झूठ और फरेब के आधार पर देश में भ्रांति फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने राफेल को देश के लिए गेम चेंजर बताया है, लेकिन राहुल गांधी किसी की बात नहीं मानते हैं और झूठ का साथ देते हैं। यह उनकी आदत बन चुकी है, देश की जनता जान चुकी है कि झूठ पर, फरेब पर कंफ्यूजन क्रिएट करके जिस प्रकार का अपना राजनीतिक इमारत बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है और दूसरों की ओर उंगली उठा रहे हैं। पूरा गांधी परिवार भ्रष्ट है, दो लोग बेल पे बाहर हैं, मां बेटे, और एक के चोरी के विषय में जितना कहा जाए रॉबर्ट वाड्रा उतना कम है। पूरा परिवार भ्रष्ट परिवार है और दूसरों की तरफ उंगली दिखा रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण को लेकर शाहजहांपुर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से प्रदेश का पहला महिला दुग्ध उत्पादक संघ का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पशुपालन में हमेशा महिलाओं का सहयोग रहा है, जिस कारण उनके सशक्तिकरण एवं स्वावलंबी बनाने को लेकर महिला दुग्ध उत्पादक संघ की शुरुआत की गई है, जिसमें समितियों में ही महिला ही सदस्य होंगी। सोच थी कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, और चूंकि बहुत लंबे समय से पशुपालन में हमारी महिलाएं ही ज़्यादा अपनी भूमिका निभाती हैं, तो क्यों ना उनको स्वावलंबी बनाकर एक कोऑपरेटिव की तरह से यहाँ पर उनको एक दायित्व उनका भी हो जाए कि वो अपने पशुपालन के साथ साथ जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका सीधे सीधे तौर से कैसे उनके खाते में ही उनके पैसा जाए और उनको अपनी मेहनत का एक पूरी तरह से लाभ मिल सके। दूर दराज से आई महिलाओं ने बताया कि यह दूध संघ हमारे जीवन की एक नए रोजगार से जोड़ेगा। हम सभी मंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया है। गांव में महिलाओं को जाकर के बताना है कि आपकी आमदनी दूनी होगी जब आप अपने पतियों के साथ कंधा मिला के वो बाहर का काम करते हैं, आप अपना घर का दूध का उत्पादन करेंगी, विश्वास बढ़ेगा और माननीय मंत्री जी का भी मान सम्मान और बढ़ेगा, देश में हम लोग महिलाएं उन्नति करेंगे और इससे होशियारी आएगी और पैसों की आमदनी भी हो जाएगी, हम लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर करेंगे, आदमियों पर नहीं निर्भर रह जाएंगे, अपना भी मतलब कुछ आत्मसम्मान बढ़ेगा महिलाओं का, इसलिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी में श्रम विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत 2 करोड़ से अधिक की धनराशि 1500 से अधिक श्रमिकों को वितरित की गई है। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की तथा श्रमिकों के लिए बंद पड़ी साइकिल वितरण योजना को पुनः चालू करने की घोषणा की। उन्होंने मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें राजमहल में रहने की आदत हो गई है, सपा सरकार द्वारा जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था शायद उसको वो भूल गई हैं। मायावती जी को राजमहल में रहने की आदत बन गई, राजमहल से बाहर कभी निकलती नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में लाखों दलित मारे गए, गांव से भगाए गए, घरों में आग लगाए गए, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई, सामूहिक बलात्कार करने के बाद लाश को पेड़ पर टांग देने की घटनाएं भी आई, लेकिन किसी के दरवाजे मायावती नहीं गई। और मायावती जी यहां तक कि जिस बाबा साहब के मिशन पर 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, बाबा साहब के उस मिशन को भी आप दफनाने का घिनौना काम कर रही है। मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन अंदर आंदोलन को इन्होंने तहस नहस कर दिया है, दलितों और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान को बड़े बड़े तिजोरी वालों के हाथ में फेंक दिया है। गंगा स्वच्छता के लिए समर्पित माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्वतारोही बछेंद्री पाल उत्तराखंड से गंगा सागर तक चलाए जाने वाले गंगा सफाई अभियान की 40 सदस्यीय टीम हापुड़ पहुंची, जहां लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के गंगा को स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ ये यात्रा आगे बढ़ाई है। बछेंद्री पाल ने बताया कि देश के प्रत्येक नागरिक को पूरे जोश और जज्बे के साथ गंगा की स्वच्छता के लिए काम करना पड़ेगा, जिससे गंगा का अपना पुराना वैभव लौट सके। भारतीय समाज में कई अंधविश्वासों के कारण भी गंगा प्रदूषित हो रही है, इन अंधविश्वासों को भी दूर करना पड़ेगा जिससे गंगा अपनी निर्मलता। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही है, उसके अलावा ये टाटा स्टील का भी विजन है, टाटा स्टील की भी सोच है अपने पर्यावरण के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, देश के लिए। और हमारे सिर्फ हमारे टीम के करने से तो सब कुछ नहीं होगा, लोग जिस कॉज के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, उसमें सब लोग जुड़े और दिल से अंतरात्मा से हम लोग गंगा माँ को पूजते हैं, तो उसकी सफाई के लिए सोचे। और अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास के वजह से गंगा महली भी हो रही है, उससे हमें बाहर निकलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रेरित होकर गोंडा जनपद में घनश्याम जायसवाल अपने पैसे से जरूरतमंद लोगों के घरों में तथा सार्वजनिक शौचालय बनवाकर स्वच्छता के प्रतीक बन गए हैं। कई विद्यालयों में भी इन्होंने शौचालय बनवाए हैं, जिससे छात्रों को काफी सुविधा मिल रही है। गरीब, कमजोर और दिव्यांग जनों के घरों में भी इन्होंने शौचालय बनवाने में अपनी भूमिका निभाई है।
ऐसे लोग भी स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जो सरकारी मदद से अलग हटकर समाज में स्वच्छता लाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सीट आप घनश्याम से मिली है, 10-12 लोगों को और गांव में मिली है। इन्होंने ये संदेश दिया है कि जो है बाहर मत जाइए, अपने शौचालय में ही यूज करिए, गंदगी मत फैलाइए, स्वच्छता जो है सफाई रखिए। गांव में दिन है सबके यहाँ सीट भैया दिन है घनश्याम भैया जी, घनश्याम भैया है, उन्होंने बनवाया है और कहा है कि जिनके पास शौचालय नहीं है वो लोग जा सकते हैं और प्रतिदिन उसका नियम का पालन कर सकते हैं। माननीय मोदी जी से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उससे हम प्रेरणा लेकर, हम गांव के रहने वाले हैं इसलिए एक ग्राम पंचायत है सिंघा चंदा जो विकास खंड तरबगंज का ग्राम पंचायत है, सिंघा चंदा को गोद लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उसके बाद हमने इसी ग्राम पंचायत का एक मजरा ऊंचे दुबरा है, ऊंचे दुबरा में 2 दिव्यांग सहित 3 लोगों के लिए अपने पैसे से निजी शौचालय बनवा दिया है, उसका वो उपयोग कर रहे हैं। और इसी ग्राम पंचायत में मेरा पैतृक घर है, उस गांव में हमने 3 यूनिट शौचालय बनवाया है और लोगों से अपील की है जिनके पास शौचालय नहीं है वे इस शौचालय का निःशुल्क उपयोग करें और खुले में न जाएं। श्री घनश्याम जायसवाल विकासखंड तरबगंज की ग्राम पंचायत चंदापुर के निवासी हैं और इनके द्वारा जो है विभिन्न ग्राम पंचायतों में शुरुआत इन्होंने यूं किया, ये सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में वहां पे स्कूल शौचालय नहीं था तो इन्होंने अपने पैसे से स्कूल शौचालय का निर्माण कराया और बच्चे उससे प्रेरित होकर के स्कूल शौचालय का नियमित प्रयोग कर रहे हैं। उसके पश्चात स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करते हुए तरबगंज विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में इनके द्वारा शौचालय सीट का आवंटन स्वयं अपने संसाधन से किया जा रहा है। कानपुर में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जिलाधिकारी स्वयं प्राथमिक विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं। सिविल लाइन स्थित प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सहित मिड डे मील की गुणवत्ता में जिलाधिकारी को गंभीर लापरवाही देखने को मिली। 33 की जगह केवल 15 बच्चे ही उपस्थित मिले। शिक्षिका के जवाब से असंतुष्ट जिलाधिकारी ने एक साल से कंप्यूटर न चलाए जाने पर अधीक्षिका को फटकार लगाई तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। देखिए, मैं आज यहाँ प्राइमरी विद्यालय सिविल लाइन्स में आया था तो यहाँ पहले तो खाने जो मिड डे मील है उसको देखा। मिड डे मील क्योंकि बढ़ चुका था ज़्यादा तो नहीं देख पाए, लेकिन दाल प्रथम दृष्टया थोड़ी सी पतली लग रही थी। साथ ही विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति को भी देखा गया तो उसमें मैंने पाया कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो विद्यालय में कम आते हैं, तो जो विद्यालय में कम आते हैं उनके बारे में उनकी स्थिति का आकलन करना तो वो कैसे करा जाएगा क्योंकि वो कम ही आते हैं। लेकिन बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो कि विद्यालय में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, बट उनको भी कुछ ज्ञान जितना उनके कक्षा के हिसाब से होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये चिंता की बात है। अगर बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में और उनको बहुत ही एलिमेंट्री जानकारी नहीं है, जो बिल्कुल ही बच्चों वाली जानकारी, छोटे बच्चों वाली जानकारी है, तो ये चिंता का विषय है। तो इस बात पे बीएसए से रिपोर्ट ली जाएगी और ये प्रयास कराया जाएगा कि पठन पाठन का स्तर और अच्छा कराया। सुल्तानपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल टूटने का सवाल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस देश के अच्छे पुलिस बल में शामिल है। रायबरेली ट्रेन दुर्घटना में पुलिस ने जिस तरह यात्रियों को बचाने में अपनी भूमिका निभाई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है और पुलिस ऐसे ही सराहनीय कार्यों के लिए जानी जाती है। सिपाहियों की समय से पदोन्नति की जा रही है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में भी सुधार के लिए मंथन जारी है। पदों में मेरे द्वारा दुर्गा पूजा और दशहरे के अवसर पर होने वाले विभिन्न आयोजकों की लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समीक्षा बैठक के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सुल्तानपुर में। यहाँ पर अभी जो विभिन्न आयोजन होते हैं उनके बारे में पुलिस व्यवस्था के बारे में अभी एसपी साहब जानकारी देंगे और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो DIG फैजाबाद और मेरे द्वारा दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना से सामान्य लोगों का 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा करने के नाम पर कुछ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तथा आयुष्मान मित्र के नाम से विज्ञापन जारी कर नवयुवकों से फार्म भरने की अपील की जा रही है।
मामला संज्ञान में आने पर आजमगढ़ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस तरह के किसी विज्ञापन से इनकार किया है और लोगों से ऐसे गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके से कार्य कर धन उगाही कर रहे हैं, जबकि विभाग द्वारा इस तरीके का कोई भी फॉर्म अब तक नहीं निकाला गया है। और आयुष्मान मित्र पहले से ही नामित किए जा चुके हैं। आयुष्मान मित्र की भर्ती के संबंध में वो फॉर्म मांग रहे थे, तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई एक गैंग यहाँ चल रहा है जो इन बच्चों को आयुष्मान मित्र में नियुक्ति के नाम पर बरगला रहा है और उनसे वो धन उगाही भी कर रहे हैं, वो फॉर्म बेच रहे हैं और इसी तरीके की कई चीजें हमें पता चली। तो मैंने इसीलिए कहा कि जनमानस में ये बता दिया जाए कि इस तरीके का फिलहाल कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो रही है। आयुष्मान मित्र जो हम लोगों को नामित करने थे हम लोगों ने नामित कर लिए हैं और कोई नियुक्ति अगर होगा तो उसको हमारे ऑफिस से और उसमें जब विज्ञप्ति निकाली जाएगी तो उसी के अनुसार वो लोग काम करें। अलीगढ़ रेलवे लाइन पर यूरोपीय तकनीक से लैस एक्सेल काउंटर लगाए जा रहे हैं जो सिग्नल की विफलता को रोकेंगे। अभी तक रेल की पटरियों के सिग्नल पटरी में लगे ट्रैक सर्किट के भरोसे चलते थे, लेकिन अब नई तकनीक के आ जाने से ट्रेनें लेट नहीं होंगी। इस सिस्टम के लगने के बाद कहीं भी सिग्नल फेल होने के बाद ट्रेनें कहीं भी खड़ी नहीं होंगी और ट्रेनों का समय भी बचेगा। अलीगढ़ सेक्शन के 9 खंडों में 200 एक्सेल काउंटर लगाए जाएंगे। अलीगढ़ स्टेशन से दाऊद खां स्टेशन तक 17 एक्सेल काउंटर लगाए गए हैं। रेल की पटरियों पर सर्किट का तार जोड़कर अराजक तत्व रेल को रोक दिया करते थे और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। यूरोपीय एक्सेल काउंटर लगने के बाद ऐसी घटनाओं पर विराम लगेगा। ड्यूल डिटेक्शन एक्सेल काउंटर और AFTC पर सिग्नल को ग्रीन करने के लिए या सिग्नल को कार करने के लिए कार किया गया है, जिसके कारण क्या है कि सिग्नल की विफलता को रोकने में हम पूर्णतः सफल होंगे। सिग्नल अभी तक जो अराजक तत्व जो है अपना ट्रैक सर्किट फेल करके सिग्नल को लाल कर देते थे और रॉबरी और चोरी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे, उस पर पूर्णतः अंकुश लग जाएगा। इससे गाड़ियों के विलंबन में भी रोक लगेगी। देश विदेश में अपनी अनूठी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध भदोही के कालीन उद्योग को वाराणसी में लगने वाले 35वें इंडिया कारपेट एक्सपो से बहुत उम्मीद है। 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लगने वाला 4 दिवसीय यह मेला वाराणसी में आयोजित हो रहा है। इस मेले में जहां कई देशों के लगभग 300 आयातकों के भाग लेने की संभावना है, वहीं 274 निर्यातक अपने उत्कृष्ट उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। एक्सपो में अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, डेनमार्क, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन, टर्की सहित अन्य देशों से खरीदार आएंगे। CEPC के उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने कहना है कि इस बार 200 आयातक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लगभग 100 आयातक और बाइंग हाउस के भी 150 आयातक बगैर रजिस्ट्रेशन के आएंगे। सिद्धनाथ सिंह का कहना है कि मशीन मेड के कालीनों से लोग अब ऊब गए हैं और कालीन आयातकों का हैंडमेड कालीनों की तरफ रुझान बढ़ा है, इसलिए इस बार उम्मीद बहुत अच्छी है। हैंडमेड की तरफ रुझान बढ़ा है जो कि मेरे बायरों से जवाब मिल रहा है, इस तरीके से हमको रुझान मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल और अगले साल तक मेरा 30-35% एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। उम्मीद तो बहुत अच्छी है कि जैसा कि हम लोगों को जो आसार लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो फॉरेन कंज्यूमर है वो हैंड मशीन मेड से